Okay, student, move to question number 9. What is the question, student? A cricket player scored 180 runs in the first match. See, एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने फर्स्ट मैच में कितना रन स्कोर किया है? 180 रन. सेकेंड मैच 257 रन. फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन इन द थ्री मैचेस बी 230. सी स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेटर प्लेयर ने फर्स्ट मैच में कितने रन निकाला वो भी है, सेकेंड मैच में कितने रन निकाला इट इज ऑल्सो गिवन, सिर्फ थर्ड मैच में कितने रन है वो हमें फाइंड करना है. क्या निकालना होगा, उसको निकालना होगा सो दैट उसका एवरेज हो जाए 230. सी एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने वो भी देखा था. एवरेज, एवरेज मतलब नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल सम ऑफ ऑल स्कोर मतलब सम ऑफ ऑल रन्स, कितने रन्स हो गए, डिवाइडेड बाय कितने मैचेस खेले उसने, फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच, तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, दैट्स गिव्स यू एवरेज, उस मैच का एवरेज. मतलब नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर, मतलब किसका हम सम कर रहे हैं और वो कितने नंबर हैं. सपोज दीज आर द नंबर 3, 5, 8, 9, इसका एवरेज हमें निकालना है. तो कैसे निकालेंगे एवरेज, किसी का भी एवरेज 1, 2, 3, 4, तो इनको सबका एडिशन करेंगे पहले, तो इन सबका एडिशन, ये कितने नंबर है टोटल, 1, 2, 3, 4 और 4 से डिवाइड करेंगे. तो जो आंसर आएगा इस नंबर का एवरेज होगा. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्कोर, उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर, कितने हमको ऐड करें, हम कितने नंबर्स ऐड करें वो नीचे लिखते हैं, इट गिव्स यू एवरेज. इज दैट क्लियर स्टूडेंट, तो एवरेज ऐसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट मैच के रन दिए हैं, सेकेंड मैच के रन दिए हैं, फर्स्ट मैच प्लस सेकेंड मैच, ना थर्ड मैच के हमें पता करना है, तो मतलब डिवाइड, तो क्या होगा कि एवरेज इज ऑल्सो गिवन, सिर्फ ये नंबर निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे और वो फाइंड कर देंगे, बहुत ही सिंपल है. तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, सी लेट द यहाँ पे थर्ड मैच उसने अभी खेला नहीं है, शुड है, शुड मतलब कितने निकालना होगा, लेट तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रन रिक्वायर्ड, जरूरत है बाय द क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर इन थर्ड मैच बी एक्स, कितने निकालना होगा उसको एक्स रन, जैसे हम हमेशा करते हैं. तो क्या लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड. क्वेश्चन में है फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, देयरफॉर द लेट द रन रिक्वायर्ड बाय अ प्लेयर इन थर्ड मैच में उसको कितने रन की जरूरत होगी, कितने रन निकालने होंगे, एक्स रन इसको निकालने होंगे. ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज गिवन, सी आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच इट इज गिवन, है ना, अगेन नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन सेकेंड मैच इट इज ऑल्सो गिवन, हाउ मेनी रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट मैच, यस फर्स्ट मैच में उसने स्कोर किया था 180 रन्स, हाउ मेनी रन्स,
180 रन्स। इन थर्ड मैच सॉरी इन सेकेंड मैच ही स्कोर 257 रन्स। एंड अगेन एवरेज दिया है कि थर्ड में कितना निकालेगा, सो दैट द एवरेज ऑफ द थ्री मैच बी 230। देयरफॉर एवरेज ऑफ थ्री मैचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी रन्स टू रन, इट इज गिवन 230 रन्स एवरेज मैच के, थ्री मैच का एवरेज। सो हम जो इंफॉर्मेशन है वही लिखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो व्हाट इज एवरेज, नॉर्मली एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ यहां पे रन है ऑल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ पे एवरेज रन्स ऐसे लिखेंगे, तो एवरेज रन कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस के कितने मैचेस खेले हैं। सी यहाँ पे व्हाट इज गिवन, वी हैव टू राइट एवरेज इज गिवन, एवरेज 230 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल रन्स, फर्स्ट मैच में कितने रन है 180 प्लस सेकेंड मैच में कितने रन है 257 और थर्ड मैच में कितने एक्स हमने बोला था ना एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस कितने टोटल 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3। सी स्टूडेंट ए अपॉन बी तो पहले से लिखेंगे, 2 से मिल गई इक्वेशन 230 अपॉन सपोज 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा इन दोनों का एडिशन 180 क्योंकि दोनों नंबर है एडिशन हो सकता है, एडिशन करो 7 8 और 5 13 2 3 4 437 प्लस एक्स, ये ऐड नहीं होगा 437 प्लस एक्स इज अपॉन 3। सी स्टूडेंट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट पहले हम इन दोनों का नहीं, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे भी करेंगे ना इक्वल है क्योंकि यहाँ पे हमको 1 है और x यहाँ पे है ना, तो हमको x इधर चाहिए, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इन दोनों का कैसे भी चलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो हम पहले यहां से यहां करेंगे 437 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 देन 230 मल्टीप्लाई बाय 3 1 से मल्टीप्लाई मतलब यही आएगा देयरफॉर 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू 300 3 3 9 3 2 6 लेकिन हमें ये 3 437 नहीं चाहिए ओनली एक्स चाहिए तो क्या करना होगा सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स क्या होगा 437 प्लस एक्स एज इट इज हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्टिंग 437 690 एज इट इज माइनस 437 बोथ साइड तो यहां का कैंसल देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 690 माइनस 437 सिंपल सब्सट्रैक्शन स्टूडेंट इट बिकम 8 इट बिकम 10 10 माइनस 7 3 8 माइनस 5 सॉरी 8 माइनस 3 5 6 माइनस 4 2 मीन्स 253। तो थर्ड मैच में उस प्लेयर को कितने रन्स निकालने होंगे स्टूडेंट 253। देयरफॉर द क्रिकेटर प्लेयर शुड स्कोर देयरफॉर द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर 253 रन्स इन थर्ड मैच। समझ
समझ में आ गया स्टूडेंट? सी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में क्या है कि एक क्रिकेट प्लेयर ने फर्स्ट मैच में 180 रन निकाले, सेकेंड मैच में 257 निकाले, तो थर्ड में उसको कितना निकालना होगा सो दैट उसका एवरेज हो 230। एवरेज मैंने बताया कैसे निकालते हैं, एवरेज जितने भी नंबर्स हैं उनका एडिशन और वो कितने नंबर हैं उससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सम्स, सम्स ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के वो कितने नंबर हैं। ओके तो ये एवरेज है, तुमने देखा होगा हमेशा कि इतने एवरेज है इसका, बैट्समैन का इतना एवरेज है, मतलब मिनिमम इतने तो निकालते ही निकालते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन एक एवरेज उतना कितना मेंटेन होता है उसको कहते हैं एवरेज। सी उसने कभी 180 निकाला, 257 निकाला और थर्ड में निकाला है 253, लेकिन इन तीनों का एवरेज उसने हर मैच में कितना निकाला है, मतलब 230, कभी ज्यादा कभी कम लेकिन बीच में एवरेज आता है। इज दैट क्लियर? एक एवरेज मेंटेन होता है, तो वो कैसे निकालते हैं एवरेज, नंबर ऑफ स्कोर्स का उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट मैच, तो थर्ड मैच में नहीं है, कितना निकालना है वो हमें फाइंड करना है। लेट उसने थर्ड मैच में एक्स रन बनाए, बनाना होगा एक्स रन बनाना होगा, तो फर्स्ट मैच सेकेंड मैच एवरेज इज गिवन। तो सी स्टूडेंट, समटाइम क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है, समटाइम आपको फॉर्मूला, कभी समझो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देगा, ब्रेथ देगे, तो आपको एरिया पेरीमीटर स्क्वायर का, तो कभी कभी हमें फॉर्मूला भी यूज करना होता है, समटाइम आपको कंडीशन गिवन होती है, समटाइम कंडीशन की जगह पे कोई फॉर्मूला यूज करना होता है, कभी रेक्टेंगल का, कभी सर्कल, कभी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वहां पे कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, एवरेज का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमें एवरेज का फॉर्मूला लिखना होगा। कैसे फाइंड करते हैं एवरेज, सम ऑफ ऑल, यहाँ पे अब रन के बारे में है, तो एवरेज रन कैसे आएंगे, सम ऑफ ऑल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस खेले हैं वो रन के लिए। तो फर्स्ट मैच में 180, सेकेंड में और थर्ड में उसने एक्स निकाला है, एवरेज इज गिवन डिवाइडेड बाय 3। इनको यहाँ ऐसे ही रखो पहले, सपोज ये 230 अपॉन 1 सपोज, और ये होगा इन दोनों का एडिशन 437 प्लस एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी हम नॉर्मली पहले ये लिखते हैं बाद में ये, लेकिन एक्स यहाँ पे इसलिए मैं पहले ये लिखी दोनों भी, क्योंकि बोथ आर इक्वल। आप 6 यहाँ पे 6 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इक्वल मतलब कैसे भी लिख सकते। तो पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 437 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 230 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, बस इक्वेशन मिल गई, इसको रिमूव करना है, सब्सट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट एक्स मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है एवरेज फॉर्मूला। ओके नाउ पॉज द वीडियो, वॉच वन मोर टाइम, उसके बाद सॉल्व इट इन योर बुक। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द क्वेश्चन, सुधीर्स प्रेजेंट एज, अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज, फर्स्ट क्वेश्चन भी एज के बारे में था, मदर और सन, अब यहाँ पे किसी पर्सन का दिया है। सुधीर्स प्रेजेंट एज इज, सुधीर की प्रेजेंट एज कैसी है, 5 मोर देन किसका मोर रहता है वो बाद में रहता है, मोर देन 3 times द एज ऑफ वीरू, वीरू की एज के 5 times का 3 more है, किसकी एज, सुधीर की एज। अनिल्स एज इज हाफ ऑफ द सुधीर, और अनिल कितना है, सुधीर का हाफ है, अनिल्स एज इज हाफ ऑफ सुधीर, आधा। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूस एज
2-3 टाइम्स द अनिल्स एज इज 5:6 देन फाइंड द वीरूस एज. हमें वीरू की एज फाइंड करनी. सी किसके कौन कनेक्टेड है. सुधीर की एज कितनी है इन एज ऑफ वीरू के. वीरू की एज का 5 मोर है. तो हमें ऑब्वियसली वीरू की एज ही हमें क्या करनी होगी, अज्यूम करनी होगी कि उसकी एज एक्स ईयर है और हमें फाइंड भी वही करना है. सो लेट द एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी एक्स ईयर. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी हाउ मच स्टूडेंट, इट इज गिवन एक्स ईयर्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ वीरू किसकी एज हम निकाल सकते हैं, सुधीर की. देयरफॉर सुधीर प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर कितनी होगी. सुधीर की प्रेजेंट एज, ही अगेन रीड द फर्स्ट लाइन. सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर, मतलब +5 है. मैंने हमेशा बताया आपको कि 5 मोर वो पहले देते हैं, किसका वो बाद में देते हैं. 5 मोर मीन्स +5, हमें +5 करना है. किसका +5 स्टूडेंट, सी 5 मोर किससे, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू. एज ऑफ वीरू कितनी है एक्स, उसका 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन 3x, उसका 5 मोर. सी एज ऑफ सुधीर 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू. एज ऑफ वीरू है x, तो उसका 3 टाइम्स होता है 3x, उसका 5 मोर मीन्स +5. सो व्हाट, 3x प्लस 5 इयर्स, दिस इज द एज ऑफ व्हाट, सुधीर. आपको वीरू की पता है x, सुधीर की आपने फाइंड किया. अब नेक्स्ट पर्सन कौन है, अनिल. देयरफॉर अनिल्स एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, अनिल कितना होगा स्टूडेंट. सी इट इज गिवन अनिल्स एज इज हाफ ऑफ द सुधीर, सुधीर का आधा. हाफ मतलब आधा. सुधीर कितना है 3x+5, उसका हाफ मीन्स /2. यस वेरी सिंपल. सो दिस इज द एज ऑफ अनिल, दिस इज द एज ऑफ सुधीर, दिस इज द एज ऑफ वीर. सबकी एज पता है. ओके अब इंफॉर्मेशन क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. इफ आ रहा है ना, यस यही इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट. बाद में इक्वेशन फॉर्म होगी तो आप सॉल्व करोगे. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये समझ में आ रहा है ना आपको. वीरू की एज पता नहीं था और वही फाइंड करना था, तो वीरू एक्स. सुधीर कैसा है 5 मोर, किसका 5 मोर 3 टाइम्स द वीरू. और अनिल कैसा है हाफ ऑफ सुधीर, सुधीर का कितना है 3x+5, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2. ओके नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन. इफ द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, सम ऑफ सुधीर एंड वीरूस एज. सी सम ऑफ सुधीर एंड वीरू, पहले हम सम ऑफ सुधीर एंड वीरू निकालेंगे. सम ऑफ सुधीर एंड वीरू, सुधीर वीरू उनका सम मतलब सी एक्स सुधीर सॉरी वीरू, पहले सुधीर है ना. सम ऑफ सुधीर और वीरू है या वीरू और सुधीर है. इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूस एज,
सुधीर और वीरू, सम मतलब प्लस, ओके क्या है फिर वो? टू थ्री टाइम्स द अनिल्स एज, मतलब इनकी सम रेशो इज टू ना, टू थ्री टाइम्स द अनिल्स एज, थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय, अनिल कितना है? 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 5 इज टू 6 मीन्स 5 अपॉन 6, ये इंपॉर्टेंट है। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है? रेशो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, किसका रेशो लिया है? सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज, सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज 2, 2 मतलब रेशो, किसके साथ? 3 टाइम्स द अनिल, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन लिखना है या नहीं लिखकर चलेगा, 3 टाइम्स द अनिल मतलब इन दोनों की सम का रेशो किसके साथ? 3 टाइम्स द अनिल वो कितना है? 5 इज टू 6 मीन्स 5 अपॉन 6, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? अब बस इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व किए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी डिनोमिनेटर में पहले आप सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे तो सिंपल है, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3x प्लस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, सी स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में ना, तो यहाँ पे ये 3 और 2 डिनोमिनेटर में, 3 अपॉन 2 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। सी 3x और 1x लाइक टर्म है, 3 और 1 4x, ओके सी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? 3x और 1x 4x, तो 4x प्लस 5 है ना, ये 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय, सी इसको टेंशन लेना नहीं, इसको एज इट इज 3x 3 अपॉन 2 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। सी स्टूडेंट a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही करना है 6 को इससे, 6 मल्टीप्लाई विथ व्हाट? 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विथ दिस नंबर, व्हाट इज नंबर? 3 अपॉन 2 3x प्लस 5 एज इट इज, पाई से 3 अपॉन 2 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई, ओके नाउ मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल्स टू, सी स्टूडेंट 5 3 जा 15 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 5 एज इट इज, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं, a अपॉन बी सी अपॉन डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सी 6 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, पहले इनका किया, पाई 3 जा 15 अपॉन 2, सी मल्टीप्लीकेशन में चलता है, हम मल्टीप्लीकेशन में देखते नहीं है कि डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। नाउ 24x प्लस 30 इज इक्वल्स टू, नाउ 15 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर एज इट इज 15 3 जा 45x प्लस 15 5 जा 75 आता है 15 टेबल डिवाइडेड बाय 2, सी अगेन ये सपोज 1 है, तो अगेन हमें क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 24x प्लस 30, 1 मल्टीप्लाई विथ 45x प्लस 75, दो बार करना होगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऐसे होता है, इज दैट क्लियर? नाउ 24 को 2 से, 24 2 जा 48, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 30 60, नाउ 1 से मल्टीप्लाई मतलब यही आएगा 45x प्लस 75, ना वन बाय वन रिमूव करेंगे, पहले क्या नहीं चाहिए?
प्लस 60 नहीं चाहिए, तो सब्सट्रैक्टिंग 60 फ्रॉम बोथ साइड्स क्या होगा, देयर फोर 48x प्लस 60 माइनस 60 यहाँ पे होगा 45x प्लस 75 माइनस 60, सो दिस गेट कैंसल, देयरफॉर 48x इज इक्वल्स टू 45x सी प्लस माइनस माइनस, तो 75 में से 60 माइनस हो गए कितना रहेगा 15, बिगर नंबर की साइन प्लस 15। सी स्टूडेंट 75 और 60 को माइनस करना है, पाई का 5, 7 माइनस 6 1, बिगर नंबर है 75 उसको है प्लस, तो आंसर को भी प्लस। नाउ अगेन हमें क्या नहीं चाहिए स्टूडेंट, यहाँ का 45 नहीं चाहिए, तो सब्सट्रैक्टिंग 45 x, सब्सट्रैक्टिंग 45x फ्रॉम बोथ sides. Again, what we get student? Therefore, 48x minus 45x is equals to 45x plus 15 minus 45x. So, these get cancelled. 48 में से 45 minus हो गए, only 3x is equals to 15. अगेन x नहीं चाहिए, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग रिमेनिंग सेम बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट स्टूडेंट, देयरफॉर 3x अपॉन 3 15 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 3 वन जा 3 फाइव जा, therefore x equal to 5. But what is x student? Present age of Veeru. Therefore, present age of Veeru be how many years? 5 years. So Veeru ki age kitni hai? 5 years. Is that clear? सी स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में क्या है, सुधीर की एज इन टर्म्स ऑफ वीरू दिया है कि सुधीर वीरू से 5 मोर है, 3 टाइम्स का 5 मोर है, तो वीरू की एज ही पता नहीं है और फाइनल हमें वही निकालना है, तो लेट द वीरूस एज बी एक्स। अब वीरू की एज पता होगी ना, क्योंकि वीरू से हम निकालेंगे सुधीर, सुधीर से निकालेंगे अनिल, क्योंकि वो कनेक्टेड है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। वीरू लिया एक्स, सुधीर कैसा है, वीरू के एज का 3 टाइम्स से 5 मोर, 3 टाइम्स वीरू की एज का 3 टाइम्स से 5 मोर। सुधीर, सुधीर का हाफ है अनिल, तो अनिल क्या होगा इसका हाफ। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वहां पे रेशियो दिया है, किसका रेशियो है, पहले रेशियो में तो सुधीर वीरू और सुधीर का सम, वीरू और सुधीर का सम 3 टाइम्स द अनिल्स एज, और अनिल की एज का 3 टाइम्स, इनकी रेशियो आती है 5:6। सुधीर एज सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज 2-3 टाइम्स अनिल इज 5:6 मीन्स 5/6। बस इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको तो पहले ओपन कर दो, ये 3 और ये 1 4x होगा, ओपन करने के बाद ये 4x प्लस 5 एज इट इज a अपॉन b c अपॉन d क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 6 से 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 अपॉन 2 3x, नाउ सिंपल मल्टीप्लीकेशन, यहां भी 3 5 जा 15 यस मल्टीप्लाई करने, फिर ये 15 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, लेकिन अपॉन 2 ऐसे ही है, वापस a अपॉन b c अपॉन d वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से इसको 1 से इसको कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया इतना आया, 1 से मल्टीप्लाई इतना आया, पहले 60 नहीं चाहिए प्लस है सब्सट्रैक्ट किया, फिर अगेन 45x नहीं चाहिए सब्सट्रैक्ट किया, अगेन 3 नहीं चाहिए डिवाइड किया, फाइनल
एक्स मिल गया. द एज ऑफ वीरू 5 ईयर्स. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, सिर्फ वही कैलकुलेशन है. कैसे करते हैं आप ध्यान दो, एक्स से कनेक्टेड ईच टर्म को 1 by 1 रिमूव करना है. इज दैट क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड अवर 12th चैप्टर, दैट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Equations in one variable, very simple, interesting, only 2 exercise, practice set 10.1 and practice set 12.1 and 12.2. So here we completed chapter number 12. So आपको इसको अगर अच्छे से करना है student, तो watch each and every video carefully, listen, watch and after understanding, समझ गया आपको, then pause the video. Open your book and solve it in your notebook. See, ये बहुत ही important है. सिर्फ आप देख रहे हैं, आपको यह समझ में आ गया, आपको easy लग रहा है और आप आगे move कर रहे हैं, तो इसका कुछ भी use नहीं होगा जब तक आप उसको solve करके आपको clear idea है कि मुझे कितना understand हुआ है, मैं कितना इसका कर सकती हूँ. तो for that you have to watch video first carefully. Video watch करते वक्त आप बाकी कुछ नहीं करेंगे. केयरफुली ईच एंड एवरी स्टेप, वो बात को याद रखना है कि मैंने टीचर ने क्या कहा था, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, एडिशन कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है, मल्टीप्लाई में कैसे होता है, ईच एंड एवरी. क्योंकि ये एक बार आपको अच्छे से आएगा ना, तो ईच सम में तो सही वही करना है. सिर्फ स्टार्टिंग का इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो डिफरेंट होगा, बट कैलकुलेशन सॉल्व कैसे करेंगे वो तो ईच टाइम वैसे ही है. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर एडिशन होगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन, मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन. इज दैट क्लियर? और इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है बहुत सिंपल है. वर्ड बाय वर्ड आपको लर्न रीड करना है क्वेश्चन को, पहले वर्ड बाय वर्ड, फिर देखेंगे कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और है किसकी इंफॉर्मेशन, किसके टाइम में दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे सुधीर की एज इन टर्म्स ऑफ वीरू था कि वीरू जो भी रहेगा उसका उतना है, लेकिन वीरू ही पता नहीं है तो इसलिए हमने वीरू को लिया. ऐसे ही जिसकी इंफॉर्मेशन है नहीं उसको हम एक्स लेंगे, उसके हिसाब से फिर जो रिमेनिंग है उसके हम फाइंड करेंगे. समटाइम कंडीशन इज गिवन, समटाइम फॉर्मूला इज गिवन. कभी 3 कॉन्जुगेट टू नेचुरल नंबर, वहां पे तो कुछ नहीं है. वी नो 3 कॉन्जुगेट टू नेचुरल हो, होल हो, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2. रेशियो में क्या होगा, यहाँ पे साइन का कन्वर्जन कैसे होगा, इंक्रीज, सम, एड, एल्डर, ओल्डर, ग्रेटर, ऑल आर रिप्रेजेंट प्लस. फिर डिक्रीज, लेस, यंगर, ये सब क्या है, माइनस. टाइम्स, 2 times 2 मल्टीप्लाई, 4 times 4 से मल्टीप्लाई, 3 times 3 से मल्टीप्लाई, twice 2 से मल्टीप्लाई, double 2 से मल्टीप्लाई, half/2, रेशियो डिवीजन. इन वर्ड्स का कन्वर्जन आपको आ गया, कैसे चूज करते हैं एक्स याद आया, तो फिर आप इजीली सॉल्व करोगे. ओके स्टूडेंट, तो बेस्ट ऑफ लक, वॉच ईच एंड एवरी वीडियो केयरफुली एंड सॉल्व इट इन योर नोटबुक. ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आपको क्लियर आइडिया आएगा. ओके.